Hi guys, my name is Govind Sharma and today we are going to learn KNN algorithm. KNN algorithm kya hai? Supervised machine learning algorithm hai. So how to build a KNN model? Hum aaj dekhte hain. Okay, start karte hain. So first KNN kya hai? KNN ek simplest algorithm hai. जो कि यूज़ की जाती है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है. एंड KNN यूज अ डेटा टू क्लासिफाई न्यू डेटा पॉइंट्स, जैसे कि हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस फंक्शन से. ओके, एंड एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, जैसे कि के वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 होती है, ठीक है. और आप कितनी भी दे सकते हो, जस्ट बिकॉज एक्यूरेसी माइट इंक्रीज, ठीक है. तो बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है और बहुत ही पॉपुलर है, चलिए देखते हैं. ताकि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो कर चुके हैं प्री प्रोसेसिंग, तो हमें दोबारा प्री प्रोसेसिंग पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग पार्ट फीचर स्केलिंग तक. ओके, ये सेम ही रहेगा. कॉपी किया, यहाँ पेस्ट. ओके, और अब हम डेटा सेट देख लेते हैं. हमारा डेटा सेट है यूज़र आईडी. ये एक सोशल नेटवर्क ऐड का है जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ चुके हैं. दिस इज यूज़र आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी एंड परचेज्ड. कि इस अगर हम देखें तो डेटा सेट कंटेन्स यूजर्स ऑफ सोशल नेटवर्क्स के, एंड दिस सोशल नेटवर्क हैज सेवरल बिजनेस काइंड्स, सो विच कैन पुट देयर एड्स ऑन सोशल नेटवर्क्स. एंड वन ऑफ द क्लाइंट इज द कार कंपनी, ठीक है, और जिसने अभी अभी एक न्यू SUV कार लॉन्च की है. सो जस्ट लॉन्च्ड न्यू ब्रांड SUV कार. सो अब हमें देखना है विच ऑफ दिस यूजर्स आर गोइंग टू बाय न्यू SUV. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 0 मीन्स नॉट परचेस्ड एंड 1 मीन्स परचेस्ड. तो दिस इज द बाइनरी क्लासिफिकेशन, 0 और 1 कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है. अब हम मॉडल बिल्ड करेंगे बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, एज और सैलरी लेते हैं हम. और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है परचेस्ड, ठीक है. लेट्स गो बैक टू द स्पाइडर, ठीक है. अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं. रिसेट RESET. ओके ओके, क्लियर हो गया. अब हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट. ओके, इट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली. अब हम पाथ देंगे, जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर है. कंट्रोल सी, पाथ कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया. ओके, पेस्ट. जैसा कि सोशल नेटवर्क ऐड पहले से ही ऐड है, ठीक है, और CSV फाइल है, तो ये एज इट इज रहने दिया. अब हम इसको रन करके देखते हैं. कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट. नाउ यू कैन सी इन वेरिएबल एक्सप्लोरर इट्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. और एज वी नो इंडेक्स स्टार्ट विद 0 इन पाइथन. तो यहाँ पर यूज़र आईडी है, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी एंड परचेज. सो वी कैन काउंट इट हियर, 0, 1, 2, 3, 4. अब हमें एज और सैलरी चाहिए, सो दीज आर द 2 इंडेक्स, एज एंड सैलरी. तो यहाँ पर हमने पहले से ही दे रखा है 2 और 3. ये हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कर चुके हैं, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं. और परचेज कॉलम है, ये हमारा डिपेंडेंट है, तो यहाँ हमने 4 दे दिया. रन करके देखते हैं क्या होता है. कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, ठीक है. एक्स में 400 वेरिएबल्स, एज एंड सैलरी, एंड वाई में परचेज कॉलम,
ठीक है ओके। अब हम ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में स्प्लिट करेंगे डेटा सेट को। तो हमने यहाँ पर क्या दिया, साइकिल लर्न डॉट क्रॉस वैलिडेशन लाइब्रेरी, और इंपोर्ट कर दिया ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। और यहाँ पर हमने वेरिएबल्स के नाम दे दिए, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। उसके अंदर हमने एक्स और वाई वेरिएबल दे दिए। टेस्ट साइज हमने टेस्ट 25% इसलिए दिया है क्योंकि हम यहाँ पर 400 वेरिएबल्स हैं, तो सॉरी ऑब्जर्वेशन, तो हमें 100 ऑब्जर्वेशंस ट्रेनिंग में चाहिए, और सॉरी टेस्ट में चाहिए 100 और ट्रेनिंग में 300, ठीक है। और यहाँ पर रैंडम स्टेट 0 इसलिए दिया है बिकॉज वी वांट द सेम रिजल्ट। ओके कोड इज़ रेडी, कमांड कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके एंड सेलेक्ट दिस, कमांड कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, ठीक है एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ नीचे देखते हैं आप, ठीक है एक्स टेस्ट में 100 ऑब्जर्वेशन और एक्स और वाई टेस्ट में और ट्रेन में 300 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ हम फ्यूचर स्केलिंग करेंगे क्योंकि एज वी नो मशीन लर्निंग आर बेस्ड ऑन इक्विलिडेंट डिस्टेंस, जैसे कि एज एंड सैलरी सेम डिस्टेंस सेम उसमें नहीं है स्केल में, तो इसलिए हमें फ्यूचर स्केलिंग करना ज़रूरी है। हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ चुके हैं, रन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ आप देखोगे ये स्केल आ गया -1 to +1 के उसमें, ठीक है एज एंड सैलरी। ओके अब डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ मैंने कमांड कर कमेंट करके रखा है कि टाइम कम लगे। अब हमें फिट करना है क्लासिफायर टू द ट्रेनिंग सेट। अब आते हैं हम, अब हम फिट करते हैं KNN, तो हमें लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स नेबर्स एंटर, और इम्पोर्ट हमें क्लास चाहिए के नेबर्स क्लासीफायर, इम्पोर्ट के कैपिटल के कैपिटल एन नेबर्स NIGHPOS के नेबर्स क्लासीफायर CFIER। ओके हमारी क्लास रेडी। अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देंगे एज यूजुअल क्लासीफायर इक्वल टू, हम ये क्लास कॉपी कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड प्रेसिस एंड कंट्रोल आई। हम देखें एडिटर में, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है एंड देयर वी हैव गिवन पैरामीटर्स ऑल्सो, तो हमें कौन से पैरामीटर्स लेने हैं। एन नेबर्स बाय डिफ़ॉल्ट 5 है, तो जैसा कि मैंने बोला था k की वैल्यू 5 बाय डिफ़ॉल्ट, और आप कितनी भी ले सकते हो बिकॉज एक्यूरेसी माइट इंक्रीज। अब यहाँ हमें चाहिए ओके, यहाँ हमें माइनकॉफ्स्की मैट्रिक्स चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट बिकॉज के नेबर्स के नियरेस्ट नेबर इक्विलिडियन डिस्टेंस पर वर्क करता है, ठीक है। एंड हमें चाहिए पी माइनकॉफ्स्की मैट्रिक्स वेयर P1 इज़ द इक्विवेलेंट टू द यूजिंग मैनहट्टन डिस्टेंस इक्वल टू 1। ओके मैनहट्टन डिस्टेंस नहीं चाहिए हमें बिकॉज इट वर्क्स ऑन इक्विवेलेंट डिस्टेंस एंड वी कैन यूज पी इक्वल टू 2। चलिए देते हैं यहाँ पर एन नेबर्स एन अंडरस्कोर नेबर्स इक्वल टू डिफॉल्ट 5 कॉमा मैट्रिक मैट्रिक माइनकॉफ्स्की, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
कंट्रोल सी इक्वल टू कंट्रोल वी एंड पी की वैल्यू पी इक्वल टू टू। ओके नाउ कोड इज रेडी एंड सेलेक्ट दिस कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड दिस वन लाइन कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट दैट्स ग्रेट। ओके अब हम आते हैं प्रिडिक्टिंग द टेस्ट सेट रिजल्ट। अब हम टेस्ट सेट रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हैं तो यहाँ हम एक नाम देंगे वाई प्रेड वाई अंडरस्कोर प्रेड इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड क्लासिफायर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट प्रिडिक्ट। ओके अब हम एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करेंगे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। ओके कोड इज रेडी ऑन कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट थिंग। ओके अगेन क्लासिफायर कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड वाई प्रेड क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट एक्स अंडरस्कोर टेक्स्ट। मस्ट फिट नेबर्स बिफोर क्वेरिंग। ओके या एक्चुअली वी हैव फॉरगॉट टू फिट द ट्रेन सेट। वी हैव टू फिट हेयर ट्रेनिंग सेट क्लासिफायर डॉट फिट। एस कॉमा वाई ट्रेन। ओके एंड नाउ रन शिफ्ट एंटर कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके ग्रेट ठीक है नॉट। ओके अब हम करते हैं यहाँ पर फ्रॉम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एसकेलन डॉट मैट्रिक्स। ओके हम कुछ नया कर रहे हैं जो हमने लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन में किया है वही सिमिलर है। इम्पोर्ट कन्फ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स। ओके कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके इट्स एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। यहाँ पर हम एक नाम दे देंगे सी एम शॉर्ट नेम इक्वल टू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड इसके अंदर हम वाई टेस्ट दे देंगे वाई अंडरस्कोर टेस्ट जो कि एक्चुअल वैल्यू है और वाई प्रेड भी प्रिडिक्ट वैल्यू। अब हम देखते हैं इसको रन करके कंट्रोल से एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके ग्रेट अब यहाँ पर हम अगर इसको टाइप करें ये अगर यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ओके
can see predictions, and 4 plus 3 incorrect predictions. I think 7 incorrect prediction or 93 correct predictions. So as you know, कोई भी मॉडल 100% एक्यूरेसी नहीं देता है, लेकिन दिस इज वेरी गुड प्रेडिक्शंस. विजुलाइजेशन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. तो यहाँ पर मैंने पहले लॉजिकेशन कोड ठीक है. अब हम ट्रेनिंग और टेस्ट सेट को यहाँ से कर लेते हैं और इसको यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल लॉजिस्टिक की जगह आपको KNN लिखना है. KNN NS यहाँ पर भी KNN. ओके, अब हम यहाँ रन करके देखते हैं, इससे हमें पता चलेगा. कंट्रोल शिफ्ट एंटर. ओके ग्रेट, ये हमारा ग्राफ बन गया. हाँ, अगर हम एसयूवी कार वन और जीरो में डिफाइन किया है, तो यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस भी हैं, जो रेड पॉइंट ग्रीन की तरफ आ गए हैं और कुछ ग्रीन पॉइंट रेड की तरफ चले गए हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो. ठीक है, अब हमें पता चलेगा, टेस्ट किया है, हम टेस्ट से रिजल्ट को रन करते हैं. कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट. दिस इज़ वेरी गुड. हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में देखा था 7 इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस, यहाँ सकते हो जो रेड रेड की तरफ चले गए हैं. जैसे कि यहाँ पर अब हम यहाँ काउंट करते हैं, जैसा कि 7 इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस थी, तो यहाँ से 1, ये ग्रीन पॉइंट है, 1, 2 एंड 3 एंड रेड 1, 4, 5 एंड ये 7. ओके, तो 7 इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस हैं. ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया विजुलाइजेशन से भी. ओके ग्रेट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा.